Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to our favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो यार आप सबकी डिमांड पर हम लेके आए हुए हैं क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है यार तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके देखो. और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भाई, ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन तुम तक डायरेक्टली पहुंच जाए. चलिए, अब हमने पार्ट 1 में देखा था कि वेलू नाम का एक लड़का है जो कि घर से भाग जाता है क्योंकि उसके पापा बहुत मारते हैं उसे. ठीक है, तो अब वो घर से भागकर जाता है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. वहां पर उसकी मुलाकात एक कचड़ा बीनने वाली लड़की से होती है. लड़की कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है, अगर तुम्हें यहाँ पर खाना पीना है, तुम्हें भूखे नहीं मरना है, तो तुम मेरे साथ चलो. अब वेलू डिसीजन लेता है कि वह उस लड़की के साथ जाएगा. अब आगे देखते हैं कि वेलू के साथ क्या होता है. ठीक है, और सेकेंड पार्ट है ये. और इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हाइलाइट्स ऊपर दिया गया है. पहले, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेलू उस लड़की के साथ भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाता है. बिहाइंड द बिल्डिंग देर इज अ बिग गार्बेज बिन. उस बिल्डिंग के पीछे ना एक बड़ा सा कूड़ेदान था. वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर इट ऑल. वेलू सोचता है कि वे दोनों यहाँ कूड़ेदान के पास क्यों आए हैं. अब देखते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, वेलू के साथ क्या होता है, क्या उसे खाना मिलता है, ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. ही कॉट अप विद द गर्ल एज सी वॉज लीविंग द स्टेशन. वेलू दौड़ के उस लड़की को क्या करता है, कॉट अप पकड़ता है, क्योंकि वो लड़की धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर जा रही थी. व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वे दोनों, लड़की और वेलू दोनों, जब स्टेशन छोड़कर रोड पर आ गए, वेलू फाउंड दैट व्हीकल्स केप्ट कमिंग. वेलू ने देखा कि जो गाड़ियां हैं ना वो सड़कों पर लगातार आ रही हैं एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और किसी के लिए गाड़ियां रुक नहीं रही हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम. वेलू के ऊपर धुआं और धूल दोनों उड़ रहे थे फ्रॉम ऑल साइड्स. हर तरफ धुआं था, धूल था, जिससे वेलू भर जाता है एकदम, मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे जो उसका सर रहता है ना वेलू का, चकराने लगता है, मतलब उसके सर में दर्द होने लगता है क्योंकि वेलू पहली बार शहर आया था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. अब वेलू को और उस लड़की को ना वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर कहीं उन्हें मौका मिला कि वो रोड के बीच में से क्रॉस करके उस तरफ चले जाएं. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग. वेलू तो अब भी हिचकिचा रहा था जाने से. एंड द गर्ल, लेकिन वो लड़की आखिरकार ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. उस वेलू का हाथ पकड़ा उस लड़की ने और उसे एकदम खींच के ले आके रोड के उस तरफ कर दिया. What do you think you are doing? लड़की पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम वहां बीचों बीच सड़क पर क्या सोचने लगे थे? Grazing cows? क्या तुम गाय चरा रहे थे? If you stand around in the middle of the road like that, अगर तुम ऐसे ही सड़क के बीचों बीच खड़े रहते ना, you will be चटनी, तुम चटनी बन जाते, मतलब गाड़ियां तुम्हें कुचल कर चली जाती. वेलूस हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का जो दिल था ना वो अब भी बहुत तेज से धड़क रहा था, क्योंकि वेलू एकदम डर सा गया था, वो पहली बार ट्रैफिक क्रॉस किया था. ठीक है, ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. वेलू पीछे मुड़कर देखता है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को और उस ट्रैफिक को देखता है वेलू, जिस ट्रैफिक से वो दोनों अभी अभी क्रॉस कर कर आए हैं. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. अब वेलू सोचता है कि यार कैसे हम दोनों उस तरफ से इस तरफ आ गए, इतनी भीड़ है, मतलब वेलू को विश्वास नहीं हो रहा था. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड. वेलू और वो लड़की दोनों रोड के इस तरफ आकर साथ साथ चलने लगे रोड के किनारे. ठीक है, अंडर सम साइन बोर्ड्स, और कुछ बड़े बड़े बैनर्स, जो कुछ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे ना, उनके नीचे से ये लोग चलने लगे. आप जानते हो रोड के बगल में बैनर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, इस कोचिंग का प्रचार, उस टायर का प्रचार, उस बनियान की प्रचार. ठीक है, तो उसी बैनर्स और उसी पोस्टर्स के नीचे वेलू और ये लड़की चल रहे थे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. अब वेलू क्या है ना, जब उन बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स के नीचे से वो गुजर रहा होता है ना, तो वेलू अपनी सर ऊपर करता है और बैनर्स
और पोस्टर्स में लगे हुए जो तस्वीरें थी उनको देखता है। किसी बैनर किसी पोस्टर पर बनियान की तस्वीर थी, तो किसी पर कार के टायरों की तस्वीर थी, किसी पोस्टर्स पर पेन की तस्वीर थी, किसी पोस्टर पर एक औरत थी वो कुछ डब्बा लेकर किसी चीज़ का प्रचार कर रही थी। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। अब चूंकि जो कुछ लिखा था उन बैनर्स में वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा था, सो ही डिडेंट नो वॉट इट मीन्ट। इसीलिए वेलू को कुछ नहीं समझ में आया कि उन बैनर्स और उन पोस्टर्स पर क्या लिखा गया है। द गर्ल टर्नड ऑन टू अ वाइड ब्रिज। धीरे धीरे वो लड़की चलते चलते एक ब्रिज पर चढ़ जाती है एंड वॉकड अप, एक चौड़े से ब्रिज, वाइड ब्रिज का मतलब एक चौड़े से ब्रिज पर चढ़ जाती है और चलती रहती है। वेलू स्टॉप्ड, लेकिन वेलू रुक जाता है। पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू क्या करता है वो झांक कर देखता है, जो ब्रिज की रेलिंग थी ना जो आखिरी पर लगी हुई थी वहां से जाकर वो झांक कर देखता है नीचे का नजारा। अंडर हिम, उसके नीचे द रोड रैन इन टू द सिटी। वेलू देखता है कि उस ब्रिज के नीचे एक सड़क निकली हुई है जो शहर तक जाती है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और थोड़ी ही दूर पर वेलू देखता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत सारी सड़कें, बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। शहर पहली बार आया था तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। तभी लड़की कहती है कि वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना उसको देखो जिसके अगल बगल दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम इस शहर में सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम वहां पर जैसे जेल में बेड़ियां लगी होती है ना वैसी वाली बेड़ियां गिनते हुए नजर आओगे। मतलब लड़की कहना चाह रही है कि तुम अगर यहां पर सावधान नहीं रहे तो तुम उसी बिल्डिंग में दिखोगे, मतलब उसी बिल्डिंग में जाओगे। द गर्ल ग्रिंड, ये लड़की मुस्कुराते हुए कहती है एंड पॉइंट इट ए ह्यूज बिल्डिंग, और इशारा करती है एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ। वेलू स्क्वेंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू थोड़ा सा तिरछी नजर से, स्क्वेंटेड मतलब थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है तिरछी नजर से, एंड रेड और पढ़ता है उस बिल्डिंग पर लगी हुई एक बड़ी सी बोर्ड पर। बोर्ड पर तमिल में लिखा था सेंट्रल जेल। वेलू कहता है व्हाई, क्यों, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों जेल जाऊंगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लड़की कहती है तुम्हें यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाओ, इतने से मतलब रखो। What does she mean? इस लड़की का क्या मतलब है? वेलू wondered, वेलू सोचता है। Meanwhile, the girl was already heading down, और इसी दौरान वो लड़की धीरे धीरे उस ब्रिज से नीचे उतर रही थी। Heading down मतलब नीचे की तरफ उतरना। With the sack on her shoulder, अपने कंधे पर वो अपना थैला ली हुई थी। What was in it? वेलू सोचता है इस थैले में क्या है। He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू ने देखा था कि वो लड़की स्टेशन पर प्लास्टिक के कप्स इस थैले में डाल रही है। What are you carrying in that bag? अब वेलू पूछ लेता है उस लड़की से कि तुम इस बैग में क्या ली हो। Things, bottles, papers, इस थैले में चीजें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर हैं, ये लड़की कहती है। वेलू wondered what she was doing with them. वेलू सोचता है कि ये लड़की इन चीजों का क्या करती होगी। But he felt shy to ask any more questions. लेकिन वेलू शर्मा रहा था थोड़ा उस लड़की से, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता था। It was still morning, but the sun blasted down. अभी भी सुबह का ही टाइम था, लेकिन सूरज की गर्मी इतनी तेज थी। On the टार, जो रोड होता है वो टार का बना होता है, दैट मींस हम कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में डामर, तो डामर और गिट्टी मिलाकर रोड बना होता है, तो सूरज की गर्मी से बहुत तेज गर्म होते हैं टार के रोड। तो वही कह रहा है कि सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि जो रोड था वो जल रहा था। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और वेलू नंगे पांव था इसलिए उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। अब वेलू समझ जाता है कि ये गांव का जो मिट्टी का रोड होता है उस पर चलने जैसा नहीं है। मिट्टी का रोड थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन टार का रोड बहुत गर्म था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वेलू पसीने से एकदम भर जाता है। सोक्ड का मतलब फुल ऑफ। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, वेलू बहुत मुश्किल से कोशिश करता है कि छायादार वाली जगहों पर ही वो चले। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और वो लड़की के साथ साथ भी चलता रहे उसी समय। सी वॉक्ड रियली फास्ट, वो लड़की सचमुच बहुत तेज जा रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वेलू सोचता है कि खाना यहाँ से कितनी दूर है।
आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग और लगभग घंटों चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रेड वेलू स्लोली। वेलू धीरे धीरे उस मंडप उस बिल्डिंग का नाम पढ़ता है, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, और वहीं पर कुछ लिखा था और जो भी लिखा था उसके जो अक्षर थे ना वो फूलों से सजे हुए थे। वहां पर लिखा था ग्रूम दूल्हा जेवी विन्यागन, दूल्हे का नाम लिखा था। उसके बाद बगल में लिखा था ब्राइड दुल्हन और दुल्हन का नाम लिखा था रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू उस बिल्डिंग के बाहर जितनी भी कार खड़ी थी ना उसको घूरता है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड। वो देखता है कि उन्हीं में से एक गाड़ियों के ऊपर माला चढ़ी हुई थी, हार चढ़ा हुआ था। एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, और उस गाड़ी के अगल बगल गुलाब के फूल चिपकाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की इधर उधर देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, वो तुरंत उस गाड़ी से एक फूल निकालती है एंड स्टक इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती है। अब वो कहती है कम ऑन सी सेड, लड़की वेलू से कहती है चलो भी अब, आर वी गोइंग टू ईट हियर। वेलू इतनी अच्छी फैसिलिटी उस बिल्डिंग में देखता है, अच्छी शादी हो रही होती है, तो वो कहता है कि क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है उस लड़की से, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े से हॉल को देखते हुए और वहाँ के लोगों को देखते हुए वेलू पूछता है कि क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। लड़की कहती है होप्स, काश ऐसा हो पाता, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। ऐसे लूजर वाली साइन हम देखते हैं ना थंब डाउन करके, तो बस लड़की भी अपने नाक के सामने अंगूठा नीचे करती है और कहती है कि काश हम यहाँ पर खा पाते। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो लड़की वेलू को हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबिस, वहां पर वेलू देखता है कि बड़ा सा कचड़े का डिब्बा था ओवरफ्लोइंग विथ रबिस, जिसमें से कचरा बाहर भी निकल रहा था, वो भर गया था पूरी तरीके से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, वो देखता है कि दो बकरियां गोबर के एक ढेर पर खड़ी रहती हैं, ठीक है, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, वो दोनों कुछ केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और पूरा मक्खियों का झुंड ना उनके पैरों पर लिपटा हुआ था, मतलब बहुत गंदगी थी। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, सड़ी सड़ी सी बदबू आ रही थी हवा में। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, वो लड़की उसी बीच में से उसी कचड़े के डिब्बे में से एक सड़ा हुआ केला निकालती है एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को निकाल कर दे देती है। Here's your food, लड़की कहती है ये लो तुम्हारा खाना। वेलू was shocked, वेलू एकदम चौक सा जाता है। वो पूछता है आर वी गोइंग टू ईट देयर leftovers, क्या हम इनके जूठे खाने वाले हैं, क्या हम इनके बचे हुए खाने खाने वाले हैं। छी what do you think I am, वेलू कहता है छी तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, a dog, क्या मैं तुम्हें कोई कुत्ता दिखता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल फ्रेश खाना ही खाता हूँ, मैं केवल अनटच्ड फूड लेता हूँ जिसको किसी ने छूया ना हो। हियर सम मोर, लेकिन लड़की वेलू के बात पर ध्यान नहीं देती, वो कहती है ये लो कैच करो कुछ और खाना है। सी थ्रू हिम अ वड़ा, वो कचड़े के डिब्बे में से निकाल कर कुछ वड़ा वेलू को देती है और कहती है कैच करो। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, अब वेलू उस वड़े को और उस बनाना को बहुत ही घृणा की नजर से देखता है, वो उसे खाना नहीं चाहता है। कम ऑन हीरो ईट इट, लड़की कहती है ओ हीरो खा लो इसे, यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा खाना पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं और उस पैसे से मैं तुम्हें खाने के लिए खरीद के दे दूंगी। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, अच्छा होगा तुम्हें जो मिलता है तुम वही खाओ जब तक तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा पैसा नहीं आ जाता है, ठीक है। वेलू हेजिटेटेड,
बट हिज स्टोमक स्क्वेज्ड हिम अगेन। वेलू हिचकिचा रहा था लेकिन उसका पेट फिर से मरोड़ के दर्द करने लगता है। स्क्वेज्ड का मतलब क्या होता है, जब भूख लगी होती है ना तो पेट हमारा मरोड़ के दर्द करने लगता है, तो उसी को कहते हैं स्क्विज्ड। तो वेलू का पेट फिर से स्क्विज करता है। ही गप्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, तुरंत वो उस सड़े हुए केले को और वड़ा को अंदर निगल जाता है। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका पेट है ना जो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, उसके पेट में जैसे ही कुछ जाता है तो अच्छा महसूस होता है उसे। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times more, उसे अगर इसका 10 गुना भी खाना मिला होता ना तो वो इस समय खा लेता, इतनी भूख लगी हुई थी वेलू को। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विद सी एट herself, लेकिन लड़की को केवल एक और केला मिलता है जो कि वो खुद खा लेती है। अब आगे लड़की कहती है कि इट्स टू अर्ली, अभी तो बहुत कम समय हो रहा है, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल अपना टिफिन खाया है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अब भी भूख लगी हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा कि ये लोग अपना लंच खत्म करेंगे तब हम इनका बचा हुआ खाएंगे। यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट, लड़की कहती है कि तुम तभी इंतजार करो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, क्योंकि मुझे तो काम है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और इतना कहते हुए वो जो लड़की रहती है वो उस कचड़े के ढेर से, हीप का मतलब क्या होता है ढेर, उस कचड़े के ढेर से कुछ बॉटल्स निकालती है और अपने थैले में रख लेती है। देन सी वॉकड ऑफ, और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू तुरंत परेशान हो जाता है। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो महसूस करता है कि अगर ये लड़की उसे छोड़कर चली गई। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि वह कहाँ है एंड वॉट टू डू, और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, वेलू सोचता है कि अच्छा होगा कि वो इस लड़की के साथ ही रहे। स्टिक टू हर मतलब साथ साथ रहे। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, अब वेलू को लगता है कि ये लड़की यहाँ का सब कुछ जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और इसीलिए वेलू दौड़ कर उस लड़की के पास चला जाता है। ए ही कॉल्ड, अब जैसे ही वेलू उस लड़की के पास पहुंचता है वो कहता है ए, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहां तक कि वेलू उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था अब तक। वो फिर से दोहराता है, कहता है कि ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वेलू उस लड़की के पीछे जल्दीबाजी में जाते हुए पूछता है ए सुनो सुनो तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो लड़की पीछे मुड़ती है, रुक जाती है वहीं पर और पीछे मुड़ती है और कहती है ओ हो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विथाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, वो लड़की कहती है कि तो तुम अब तक मेरा पीछा कर रहे थे विथाउट इवन नोइंग माई नेम, बिना मेरा नाम जाने। अब लड़की अपना नाम बताती है, कहती है जया, मेरा नाम क्या है, जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, अब वेलू कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वॉट देन, लड़की कहती है कि तब क्या कर रहे हो तुम। हु गॉट योर फूड, तुम्हें खाना किसने दिलाया, तुम मेरे पीछे पीछे आए तभी तो तुम्हें खाना दिलाया ना मैंने। कैन आई कम विथ यू, अब वेलू थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, मतलब एटीट्यूड छोड़ देता है, कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वॉन्ट, लड़की कहती है कि तुम तभी आओ अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जा रही। दिस बैग इज़ फुल, क्योंकि ये जो मेरा थैला है ना जिसमें मैं ये बॉटल्स इकट्ठा कर रही हूँ ये भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना पड़ेगा ताकि मैं दूसरा थैला ले आ सकूँ। तो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है part 2। आई होप आपको ये वीडियो पढ़ने में मज़ा आया होगा यार, एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।